पेट का टाइटपन, गैसेस और लेटरिन को ना होना, यह केस स्टडी के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। इसका क्या मानसिक कनेक्शन हम देखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उम्र करीब 40-42 साल की थी, मीडियम सक्सेस है बिजनेस में, मतलब घर चलता है, ठीक ठाक बिजनेस चालू है छोटा सा, और उसमें काफ़ी दिन से उसको ये हो रहा कि पेट में नाभि के जगह, मतलब अम्बिलिकस जो है, नाभि जो है, तो उसके पास में उसको बहुत टाइट पना आना, उसके वहाँ ऐसा दर्द करना, कड़क पना आ जाना और वहाँ गैसेस होना, और फिर वो गैसेस कभी ऊपर चढ़ते और कभी गैसेस ऊपर चढ़ के फिर ऐसा लगता कि उसको ढकार आ जाएंगे। वहाँ से फिर एसिडिटी भी होती थी और ढकार आके भी थोड़ा सा उसको अच्छा लगता था, फिर छोड़ा लेता था कि ढकार आ जाएंगे ना, अच्छा लगेगा। या कभी बोलता कि वो जो है गैसेस वो सीधा मेरे दिमाग में चढ़ते हैं और दिमाग में ऐसा हल्का हल्का लगता है और फिर दिमाग काम नहीं करता, या फिर वो जो गैसेस है वो गैसेस नीचे जाएंगे, गैसेस पास होंगे मगर लेटरिन नहीं होती, और फिर बेचैनी होना और काफ़ी परेशानी है। 42 साल का व्यक्ति, तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो पेट की जो प्रॉब्लम है इसका कुछ ना कुछ मानसिक कनेक्शन होता है। उसने सब तरह जाके देख क्या है, सब एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सोनोग्राफी, ब्लड की जांच, स्कैन्स, सब 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 करवा के डॉक्टर लोगों ने इतने बोला कि पेट में अंदर सूजन है या ऐसा कुछ, तो भी भाई टेंशन है या दवा ले लो ठीक हो जाएगा, ऐसा करके उसको भेज देते थे। हालांकि सभी डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन में अल्प्राजोलाम या डाइजीपाम या एमिट्रिप्टिलिन ऐसी दवाई कॉमन थी। जब उसको पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो बोले ठीक है, कुछ भी नहीं, ऐसा टेंशन वेंशन कुछ नहीं है। देखा, उसको जांच किया, तपास लिया, तो ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स भी ठीक है, बाकी पेट में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कड़कपना भी नहीं है। मालूम पड़ा कि भाई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की एक केस है, कि भाई लेटरिन भी साफ नहीं होती, गैसेज जाते मगर कॉन्स्टिपेशन है, और वो गैस ऊपर आना या नीचे जाना या फिर जलन होना, पेट फूलना, कड़कपना है, पेट दर्द, ऐसा सब उसको सिम्टम्स थे। तो उसको मैंने बोला कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चिंता है? नहीं, बोले कुछ तो नहीं है। मगर जब काफ़ी सारा डिगिंग किया, खुद काम हम जो बोलते हैं, तो मालूम पड़ा कि इसमें काफ़ी सारे इनकम्प्लीशंस पिताजी और माताजी के साथ में है। उसको काफ़ी सारी पढ़ाई करने की इच्छा थी मगर पढ़ाई नहीं करने दिया, घर में गरीबी थी तो जल्दी काम करना चालू पड़ा, फिर काम करना चालू किया, थोड़ा पैसा आ गया, फिर धंधा थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर बोले शादी कर दो, फिर शादी कर दिया, बच्चे हो गए, फिर अभी क्या, ये उम्र 42 साल की हो गई, अभी क्या पढ़ना वगैरह। तो बाकी लोगों जब देखता है वो, तो फिर उसको लगता है कि नहीं, मैंने पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, मैं तो अनपढ़ हूँ, और मैं सब दोष वो उसको पिताजी को देता था कि उन्होंने मेरे को पढ़ने नहीं दिया। जब उसके अपने सेशंस किए, तो मैंने, भाई जो आपके दिमाग में है अभी उसका क्या कर सकते हैं, जो भी हुआ वो हुआ, जो भी आपके बचपन में हुआ, आपको बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया होगा, तो मैट्रिक किया था, तो मैट्रिक किया बाद में फिर वो आप नहीं पढ़े, तो ठीक है, जो भी हुआ हुआ, अभी क्या कर सकते हैं? अभी यदि आप उम्र के 42 साल में वो जीवन जी रहे, 25 साल पहले का या 20 साल पहले का जीवन है, कि जब आप मैट्रिक के बाद में आपको एजुकेशन डिसकंटिन्यू करना पड़ा, तो वहाँ अटके पड़े हैं, तो भी आपका जीवन आप खराब कर रहे, फिर ये तकलीफ हो रही है। बोले हाँ, तकलीफ तो हो ही रही है, फिर अभी क्या करें? तो बोले नहीं, कुछ नहीं, अभी मैं तो लगता है कि बस किसको देखा कि इसका दिमाग खराब हो जाता, किसको देखा कि इसका दिमाग खराब हो जाता, उसके उम्र के जो लोग थे, उसके सहकारी जो थे, वो पढ़े लिखे कोई मिला कि इसका दिमाग खराब हो गया, कि हम नहीं कर पाए। मतलब आप पहले वो कंप्लीट करो, वो जो अतीत है, वो जो भूतकाल है, वो अभी हो चुका है, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते, अभी आप चाहे तो भी नहीं करते, और करना ही है तो फिर अभी करो। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, सीख सकता, करो, सीख लो, अभी भी क्या संभव है? नहीं, अभी संभव ही नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि संभव नहीं है, आप कर सकते हो, पॉसिबल तो सब कुछ है। तो आप देखो अभी आप क्या पढ़ सकते हो, क्या पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई आपको कोई डिग्री होना करके आप वैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हैं, अभी क्यों मर रहे हैं आप रोज वो देख के कि भाई मेरे अतीत में ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अभी आपके सामने है, जो भी सामने है आपके समय, जो भी समय आ रहा है, जो भी आप जी रहे हो, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो, और आगे जो भी करना है करो। तो
तो जब वो उसे सेशन किए, साइकोथेरेपी के काउंसलिंग के सेशन किए, तो उसको ये समझ में आया कि नहीं अपन कर सकते हैं। बोले ठीक है, अभी मैं इसके बाद में अभी मैं देखता हूँ कि मैं डिग्री कैसे ले सकता हूँ। मतलब बहुत अच्छा है, डिग्री ले लो, ग्रेजुएट हो जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, जो सीखना है सीखो, भी कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर सीख सकते हैं आप, अलग अलग प्रोग्राम सीख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं आपका बिजनेस संभाल के। मन में खुशियाँ लाओ, वो आप अतीत में रहेंगे तो दिमाग को तकलीफ होती रहती है, तो वो छोड़ दो और जीवन मस्त जियो फर्स्ट क्लास। तो जब हमने सेशंस किए जब उसके साथ में साइकोथेरेपी के, उसके साथ साथ उसको मैंने दवाइयाँ भी दी, दवाइयों से भी उसको काफ़ी सारा हल्का लगा, नींद आने लगी अच्छी, जो ढकार आती थी वो ढकारें कम हो गई, लेटरिन साफ होने लगी। और जब मैंने ये बातचीत किया, वार्तालाप और काउंसिलिंग किया उसे, उसका जो पास था वो हमने पूरा कंप्लीट किया, और उसने फिर उसका फ्यूचर क्रिएट किया। जब उसने फ्यूचर क्रिएट किया तो उसको मज़ा आने लगी, बोले अभी मेरे को बहुत मज़ा आ रही है, अभी मैं अच्छा मेरा जीवन जीऊँगा। एक दिन आए बोले कि मैं ऐसा लगता है मुझे कि मेरा जीवन ही नया हो गया, अभी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा कर रहा हूँ, बच्चों के साथ में खेलता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, कंप्यूटर सीख रहा हूँ, धंधा भी अभी बहुत बढ़ रहा है और जीवन में बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होगा कि वो अतीत में अटके होंगे, ये लोगों को आप जरूर शेयर करो वीडियो, ताकि लोग अपना अतीत जो है ना वो पूरा करेंगे, उसमें अटके रहेंगे नहीं और फ्यूचर क्रिएट कर लेंगे, फ्यूचर में जिएंगे ना तो जिनको मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, बार बार हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।